algorithm or function for delete element from the list using array. एक लिस्ट को दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग अरे और यूजिंग लिंकर लिस्ट। ये लिस्ट है यूजिंग अरे, ये लिस्ट इंप्लीमेंट हो रही है यूजिंग अरे। पूरा लिस्ट इंप्लीमेंट इसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ एक वो लिस्ट में से, एक लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करना है। तो वो कैसा करते हैं, सिर्फ डिलीट फंक्शन बताना है। तो इसका एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा आपको, समझिए। इंडेक्स डेल फंक्शन अभी कॉल हुआ है, इंडेक्स में कुछ वैल्यू आ गया है, समझो कि 7 आ गया है, 7 इंडेक्स का वैल्यू 7 समझिए। 7 में जो एलिमेंट है वो हम डिलीट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ये सारे का नाम क्या है? लिस्ट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, लिस्ट साइज नाम का एक वेरिएबल यूज करे हैं कि ये लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है ये इसके अंदर मिलेगा, ये अरे के कितने लोकेशन है ये अरे साइज में मिलेगा। ये दोनों वेरिएबल्स अरे साइज वेरिएबल ने अरे का साइज स्टोर किया, लिस्ट साइज आके लिस्ट का साइज, माने कि लिस्ट में कितने एलिमेंट है यह लिस्ट साइज में स्टोर हो गया है। इंडेक्स वैल्यू 7, इंडेक्स वैल्यू 7 है, इसका मतलब 7 में का जो एलिमेंट है वो डिलीट करना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी इंडेक्स वैल्यू रहेगा तो उसे तभी हम डिलीट कर सकते हैं। वो इंडेक्स का अंदर जो, अभी समझो इंडेक्स का वैल्यू 2 है तो 2 के अंदर का डिलीट कर सकते थे, इंडेक्स का वैल्यू 4 है उसके अंदर का डिलीट कर सकते थे, बट 7 है डिलीट नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स का वैल्यू ये मस्ट है कि ये लिस्ट साइज से छोटा रहना है। देखिए इसमें 6 एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या है, लास्ट इंडेक्स 5 रहेगा, तो 6 लिस्ट साइज से इंडेक्स एलिमेंट छोटा है तभी डिलीट कर सकते हैं जाके। हाँ अब इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर हो गया लिस्ट साइज से, ग्रेटर हो जाने की वजह से ये मैसेज आएगा इनवैलिड इंडेक्स आर लिस्ट साइजेस एम्प्टी। ये हो सकता है इनवैलिड, तुम्हारा इंडेक्स इनवैलिड है या लिस्ट एम्प्टी भी हो सकता है, दोनों के लिए यही कंडीशन है, दोनों के लिए यही कंडीशन है। अभी समझो कि 2 आ गया इसके अंदर, इंडेक्स का वैल्यू 2 है, ऐसा सोचो इंडेक्स का वैल्यू 2 है तो उसे तब डिलीट कर सकते हैं हम लोग। उसे डिलीट कैसा करेंगे, इंडेक्स का वैल्यू लिस्ट साइज से बड़ा नहीं है इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब इंडेक्स का वैल्यू बड़ा है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अंदर में रिटर्न है, फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अभी तो 2 है इंडेक्स का वैल्यू, ये तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो इधर आ, जब 2 में जो एलिमेंट है वो डिलीट करना है तो हमको 3 से स्टार्ट करना होगा। 2 में जो भी एलिमेंट है वो 3 से स्टार्ट करना होगा, 2 में जो एलिमेंट है उसे डिलीट करने के लिए 3 से स्टार्ट करना होगा। 3 का एलिमेंट को 2 में को मूव करेंगे तो 2 का चल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बाद में 4 में का 3 में मूव कर देना, बाद में 5 में जो है वो 4 में को मूव कर देना। इसका मतलब ये है जो एलिमेंट को डिलीट करना है उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक लोकेशन आगे बढ़ा देना है उसको, तो ये आगे बढ़ा देंगे तो 3 में जो है वो 2 में कर देंगे, 4 में जो है वो 3 में, ऐसा मूव कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा 2 में। देखिए अब इंडेक्स का वैल्यू 2 है तो 2 + 1 = 3, यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं आई का वैल्यू, जब तुम्हारा इंडेक्स 2 है तो आई का वैल्यू 3 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ कंडीशन ट्रू होगा। तो इधर आएगा, आने के बाद लिस्ट माने कि ये आरे का नाम है, आई माने 3 है, लिस्ट ऑफ 3 में जो है वो लिस्ट ऑफ 2 में जा रहा है। तो ये एलिमेंट जो आपको दिख रहा है वो आएगा इसके ऊपर आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आई तो बढ़ेगा, आई तो 3 से स्टार्ट हुआ था उसके बाद अभी 4 हुआ, लिस्ट ऑफ 4 में ये ट्रू होने के बाद ही इधर आएगा। आप देख सकते हैं कंडीशन, देखिए आई का वैल्यू लेस देन लिस्ट साइज होना चाहिए, लिस्ट साइज 6 था, 5 तक ट्रू होगा, 4 अब आई का वैल्यू 4 हुआ, कंडीशन ट्रू होने पे फिर इधर आएगा लिस्ट ऑफ 4, लिस्ट ऑफ 3 में जा रहा है। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ 4 में जो भी है वो लिस्ट ऑफ 3 में जा रहा है, माने कि 34 इधर आ गया तो ऊपर से इधर आ गया। बाद में यह 5 होगा तो 5 में जो एलिमेंट है वो 4 में आ जाएगा। अभी 4 में आ जाने के बाद हमारा बचा क्या है, अब यहां 6 होगा, 6 में तो एलिमेंट था ही नहीं, हम उसे मूव करेंगे नहीं, वहां लिखा हुआ आई की वैल्यू लेस देन लिस्ट साइज, माने कि लिस्ट साइज 6 था, लेस देन लिस्ट साइज मतलब 5 तक ही ट्रू होगा। उसके बाद करना है क्या काम है, आप लिस्ट साइज को 5 कर दीजिए, ये घटा दीजिए, एक एलिमेंट हमारा डिलीट हो चुका है उसके कारण फाइनल में लिस्ट साइज माइनस माइनस कर देना। ये है डिलीट करने का तरीका, आप देख सकते हैं यहां पे, व्हेन रिमूव ऑपरेशन इज परफॉर्म, रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले द एलिमेंट आफ्टर द एंथ एलिमेंट, एंथ एलिमेंट को डिलीट करना है, एंथ एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे आर शिफ्टेड वन इंडेक्स बैकवर्ड, बैकवर्ड बोलिए या फॉरवर्ड बोलिए, अब क्या बोलते हैं, देखिए अब 2 में डिलीट करना था उसके बाद वाले पूरों को हम एक लोकेशन आगे बढ़ाए हैं पूरों को, बैकवर्ड बोलते या फॉरवर्ड बोलते इसको, दो भी बोल सकते हैं, समझो जैसा उन्होंने वो समझे, वो बैकवर्ड है वो फॉरवर्ड है।
अभी अभी देख सकते हैं दिस एल्गोरिथम डिलीट द एलिमेंट इनटू द लिस्ट, ये एल्गोरिथम डिलीट करेगा। हियर लिस्ट इज एन अरे विद अरे साइज लोकेशन, ये लिस्ट का नाम है, अरे का नाम है लिस्ट, वो कितने लोकेशन है इसमें, अरे साइज लोकेशन है। और लिस्ट साइज इज इंटीजर वेरिएबल इट स्टोर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट प्रेजेंट, इसमें अरे साइज के अंदर अरे का साइज है, लिस्ट साइज के अंदर कितने एलिमेंट है प्रेजेंट लिस्ट में वो है। इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज जीरो, इनिशियली ये लिस्ट साइज में जीरो रहेगा। एंड इंडेक्स इज रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ द डिपेंडिंग ऑफ द एलिमेंट, तो इंडेक्स जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वही है कि हमको जिसको डिलीट करना है वो इंडेक्स है वो। थैंक यू।